दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे होंगे कि भाई एक समस्या हम सबके सामने, मेरे सामने भी, आपके सामने भी, सबके सामने आती है, ओवरथिंकिंग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हॉन्ट करना, कि भाई बहुत सारे टास्क होते हैं जो आपको हॉन्ट करते हैं। अगर मैं अभी अपनी बात करूं तो जैसे मुझे ऑनलाइन कोर्सेज बनाने होते हैं, उनकी स्क्रिप्ट लिखनी होती है, कॉन्टेंट बनाना होता है, तो उसको वो हॉन्ट करता है कि भाई बहुत सारी चीजें हैं जो मेरी बैचेस चल रही होती है सुबह से शाम तक, करीबन 9 बैचेस, उन 9 बैचेस में कौन सा कंटेंट जाना है, किसका टेस्ट होना है, किसका टेस्ट चेक होना है, किसके पास क्या वर्कशीट जानी है, एक टास्क होते हैं। इसके अलावा अपना कुछ जो स्टडी करनी होती है, रिसर्च करना होता है, वो टास्क होते हैं, वो चीज हॉन्ट करती है। ये सबके साथ होता है। अगर आप कुछ पढ़ रहे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 12th पढ़ रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट आपको एंग्जियस बनाते हैं, एग्जाम आने वाला है, उसका स्ट्रेस होता है। एक सोल्यूशन जो मुझे लगता है कि सही है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, और वो सोल्यूशन है इस डायरी पे लिखा हुआ, मेक टुडे ग्रेट। मोटिवेशन की दुनिया में अगर आप देखेंगे तो टुडे या प्रेजेंट, वर्तमान से भारी या उससे अच्छा कोई शब्द नहीं है, प्रेजेंट से बड़ा कोई शब्द है ही नहीं, टुडे से बड़ा या टुडे से ज्यादा पावरफुल कोई चीज नहीं है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत ज्यादा फ्यूचर में चले जाते हैं। जैसे आप 10th में हो, 12th में हो, आपका एग्जाम आने वाला है, दिसंबर चल रहा है, आप फेब में जो एग्जाम है उसके बारे में सोच के दिसंबर अपना खराब कर रहे हो। ऐसी मान लीजिए मेरे लिए न्यू ईयर पे कोर्स आने वाला है, या कल सुबह मुझे कोई शीट देनी है या तैयारी करनी है, उसको काम करने की बजाय मैं चिंतित हूँ कि कल होगा कि नहीं होगा या क्या होगा। ऐसा सोल्यूशन क्या है? प्लान तो हमको करना ही पड़ेगा। कई बार हम प्लान न करने की वजह से क्लटर्ड हो जाते हैं, वरिड हो जाते हैं। आई वुड से कि स्टार्ट मेकिंग अ टू डू लिस्ट। आप कल क्या करने वाले हैं इसे एक डायरी में जरूर लिखें, एक डायरी बनाएं, एक टू डू लिस्ट बनाएं, उसको टिक करें। आपके पास सुबह सुबह आप उठो तो आपके पास एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या क्या करना है, और आप उसको टिक करते जाए। कुछ ऐसा कीजिए कि आप फोकस कर पाए कि आज का दिन मेरा अच्छा गुजरे। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या है? जो आज प्रेजेंट है, जिसे मान लीजिए 21 दिसंबर 2023 मेरा प्रेजेंट है, यही तो मेरा कभी फ्यूचर था, और 22 तारीख को यही तो मेरा पास हो जाएगा। ये जो प्रेजेंट है, ये जो टुडे है, यही तो कभी हमारा टुमारो था, यही तो कभी हमारा यस्टरडे होगा। तो ट्राई फोकसिंग इन द प्रेजेंट, ट्राई टू मेक टुडे ग्रेट। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।